गाइस आज का ये जो गेम प्ले है ना ये फुल तबाही होने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पर मेरी पेटी बनते बनते बची और ये गेम प्ले तुम्हारे सामने नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे ये गेम प्ले तुम्हारे सामने है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं ऐसा क्लच ठोकूंगा ना कि मतलब तुम्हें एकदम मजा ही आ जाएगा। खैर इसी के साथ साथ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई पबजी न्यू स्टेट का जो अर्ली एक्सेस है वो मुझे मिल चुका है, तो यार मैं वो गेम प्ले वीडियो डालू कि नहीं डालू मुझे जरूर बताना कमेंट में। और जब कमेंट का सवाल आया तो मैं तुम्हें बता दूं जो भी तुम कमेंट करते हो तो भाई मैं अपने वीडियो के एंड में उन कमेंट को दिखाता हूं। तो यार अगर तुम चाहते हो कि मेरे वीडियो में तुम्हारा भी कमेंट आए तो यहां पर तुम कमेंट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बड़े भाइयों और उनके छोटी बहनों कैसी हो, स्वागत करता हूं आज आपका एक और बीजेएमआई के गेम प्ले वीडियो में, जहां पर मैं करता हूं अपनी घसीपिटी से कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसी के साथ साथ एक बहुत ही नकली एंटरटेनमेंट। तो यहां पर उतरते हैं और इन बोटों से मजे लेते हैं और उसके बाद यहां पर एक बग्घी मिलती है। बग्घी में बैठ करके जब जा रहे होते हैं तो एक बंदा दिखता है, पहले तो लगा कि भाई वो बॉट है, लेकिन भाई वो एक बंदा आगे यहाँ पर मैं बॉट समझ के भाई हल्के में ले रहा था, लेकिन भाई इसने तो हमारे दोनों बंदों को बग्घी से उतार दिया। अब यहाँ पर इसका एक और बंदा आता है, अब इनकी पिलाई तो यहाँ पर कर दी और इसके बाद यहाँ पर अपने बंदों को रिवाइव देता हूँ और ये वाला जो बंदा होता है इसके यहाँ पर पेटी बनाता हूँ। बग्घी का टायर फट गया था तो सोचा कि भाई दूसरी गाड़ी ले आऊं, कितने में भाई पीछे की तरफ एक बंदा दिखता है। अब इस बंदे को तो पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद इसकी किल भी मिल जाती है और उसके बाद जब मैं थोड़ी आगे की तरफ जा ही रहा होता हूँ तो गोली चलने की आवाज आती है और एक और बंदा दिखता है। तीन गोली चलाए और सीधा पेटी बन गई, मतलब क्या ही मजा आया। इसी के साथ साथ तुम यहाँ पर लाइक का बटन दबा सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आगे जाता हूँ और गोली चलने की आवाज आती है, अभी तक स्कोप नहीं मिली। अब इस गोली की आवाज को फॉलो करता हूँ और भाई जहाँ से आवाज आ रही होती है सीधा उस जगह पर पहुंचता हूँ और देखने लग जाता हूँ कि आखिरकार बंदा है कहाँ। बंदा दिख ही नहीं रहा होता लेकिन जैसे तैसे करके बंदा दिखता है और भाई हमारे भाई साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं किसी और की पेटी बनाने में। अब भाई मैं उनकी पेटी तो बनाऊंगा लेकिन उनकी किल भी चुरा लूंगा, देखो। अब ये बंदा बड़ी देर से गोली चला रहा था लेकिन किसके ऊपर चला रहा था यही देखने के लिए जब मैंने आगे की तरफ स्कोप खोला तो बेचारे की मैंने यहाँ पर किल भी टपा ली। अब मतलब यार इसको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये थी भाई आम जिंदगी जहाँ पर भाई हम बंदों की पेटी बनाते हैं और आराम से जिंदगी कटते रहती है बंदों की पेटियां बना बना करके। लेकिन अब आपको दिखाएंगे एकदम तूफान जिंदगी जहाँ पर भाई हम अपनी बग्घी को लेकर के भाई जब अपार्टमेंट के पास पहुंचते है ना तो वहां पर मेरी गलती की वजह से मेरी पेटी बनते बनते बची, एकदम सुपरमैन बन रहा था मैं। यहाँ पर कहना चाहिए कि भाई सुपरमैन सुपरमैन तू न चुरा लिया मेरे दिल का चैन। खैर अब तुम आगे की तरफ देखते जाओ और सुनते जाओ। लालू कवर कर। हाँ मैं कर देता हूँ। अरे आप रिवाइव हो गए। अब यहाँ पर जब बोला कि भाई आप रिवाइव हो गए तो मतलब दिल में इतनी ज्यादा खुशी हुई ना कि मन कर रहा था कि भाई 11 रुपये का प्रसाद ना भगवान को चढ़ाऊं, क्योंकि यार अगले दिन तो वो प्रसाद मुझे ही खाने मिलता तो भाई मेरा डबल फायदा हो जाता। खैर आगे की तरफ से एक बंदा बॉट पे बॉट फायरिंग बार बार दे जा रहा था तो मैंने भी कहा चल यार आजा यहाँ पर बॉट फायरिंग खेलते हैं। इसकी बॉट फायरिंग का ड्रामा तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर डीपी का स्प्रे पड़ता है। मैं अंदर आता हूँ और भाई इस वाले बंदे के यहाँ पर पेटी बनाता हूँ और इस वाले बंदे को जो है दो नंबर ने नॉकआउट किया था ताकि वो मुझे बचा सके जब मैं सुपरमैन बन रहा था। खैर अब यहाँ पर भाई मुझे चार बंदे दिखते हैं और भाई चार बंदों को ऐसे लॉबी भेजूंगा ना कि उनको खुद भी नहीं पता चलेगा, देखो। तो मैंने मारा अभी। यहाँ पर मुझे गोली पड़ती है तो मैं झट से अंदर आ जाता हूँ और भाई इन बंदों की पेटी बनाने के लिए ना तुम लाइक का बटन को जरूर दबा देना और इसी के साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब क्या ही पेटी बना यार, ये लोग खुद भी सोच रहे होंगे कि यार अरे हम लोग लॉबी में कब आ गए हमें तो खुद ही नहीं पता चला और भाई दो बंदे तो एकदम सुपरमैन बन रहे थे देखा ना तुमने यहाँ पर। खैर अब मेरे पीछे वाले अपार्टमेंट में भाई कोई गाड़ी रुकी थी और उसमें कोई बंदा आ चुका था तो मैं भाई वहाँ पर भाग के जाता हूँ और सीधा एक नेड करता हूँ।
तुम्हें भी पता है भाई ये मेरा नेड़ा कुछ होना जोना तो है नहीं, मतलब कैसे फट जाएगा यार, आखिरकार मैंने फेंका है। अब इतने में मेरा बंदा कहता है कि भाई पीछे की तरफ कोई गाड़ी आ चुकी है, तो भाई मुझे पीछे की तरफ वापस जाना पड़ता है। भाग भाग के ना मेरे पैर थक गए थे यहाँ पर, सही बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत गोली अटैच होती है तो मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे छोड़ दूं। अब ये बंदा चालाक होता भाई, ये गाड़ी से उतर करके वहीं कहीं पर सांप बन जाता है, तो भाई ये बंदा मुझे दिख नहीं रहा होता है, तो मैंने सोचा भाई को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, भाई थोड़ा थक गए होंगे। फिलहाल के लिए भाई जो अपार्टमेंट में जो बंदा होता है वो पता नहीं किसके ऊपर गोली चला रहा होता, तो मैं वहां पर जाता हूं और एक जादुई नेड करता हूं। अब यहाँ पर सही बता रहा हूँ भाई, दूर दूर तक कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदा वहां पर बैठा हुआ है। भाई मैंने तुक्केबाजी में बस नेट फेंक दिया और भाई मतलब बंदा नॉकआउट भी नहीं हुआ, सीधा पेटी बन गई। तो यार मतलब क्या ही यहाँ पर मजा आ गया। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि भाई मुझे हैकर ना समझ ले ये बंदा, अब हैकर समझे ना समझे, तुम यहाँ पर लाइक का बटन दबा दो और चैनल पर रहे तो चैनल को भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अब बाहर जो पेटियां बनाई होती है भाई उनको हम लूट ही रहे होते हैं कि इतने में हमारे भाई कुछ कहते हैं, ऊपर बंदे। अब यहाँ पर तुम गाड़ी का नागिन डांस देखो, ये बंदा वही होता जो कि गाड़ी से उतर करके भाई सांप बन जाता है और इसके बाद ये इंतजार कर रहा होता कि भाई अच्छा मौका इसको मिले तो ये यहाँ से निकल ले, लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने इसको पकड़ ही लिया। अब यहाँ पर एडल को मंगाता और उसके बाद भाई अपनी गाड़ी को लेकर के हम आगे की तरफ कुछ घर होते हैं वहां पर निकल जाते हैं और रास्ते में एक गाड़ी वाला जाते हुए दिखता है, तो मैं उसको बेफालतू में अपने स्नाइपिंग के कुछ पटके देता हूं जो कि लगते तो है नहीं, तो भाई उस स्नाइपिंग की आवाज सुन करके वो भी अपनी गाड़ी को आगे की तरफ एक घर होता है वहां पर रोक देता है। तो मैंने अपने बंदों को कहा कि भाई गाड़ी को निकालो और चलो वहां पर। सबसे पहले तो मैं ग्रेनेड मारूंगा। भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो भाई, मतलब आता ही नेड मारेगा। खैर मेरा वाला तो देख लो। इस घर में जो बंदा है अब ये हमसे एक कदम आगे होता है। यहाँ पर मैं एक पल के लिए सोच रहा था कि भाई अगर मैं इसके जगह होता तो मेरे भाई 5-5 बार यहाँ पर पेटियां बन जाती, इतने सारे नेड किए थे भाई, इसको कुछ क्यों नहीं हुआ। भैया तो छपड़े पे बैठे हुए थे लेकिन भाई जैसे तैसे सही मौके पे देख लिया, वरना भाई कुछ भी हो सकता था। खैर अगर तुमने कमेंट नहीं किया तो अभी के अभी कमेंट कर दो, बस तुम्हें याद दिला रहा हूं, क्योंकि तभी तो तुम्हारी कमेंट को वीडियो के लास्ट में लगाऊंगा। अब यहां पर हम मटर गश्ती कर ही रहे होते हैं कि इतने में भाई हमारे भैया कहते हैं कि आगे की तरफ एक बंदा भाग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा। एक बंदा उधर से और आ रहा था, कहाँ पे रोके आपने, यही पे, अच्छा वो वहाँ पे। दो फटके दिए और लगभग इसका काम तमाम यहाँ पर हो ही गया। अब यहाँ पर भाई 3 बंदे बचते हैं और हमारे बंदे जो होते हैं ना इनको खुड़क मची रही होती है, क्योंकि भाई ये भी कार 98 और AWM चला रहे होते हैं, तो ये कहता है कि भाई हमें भी एक एक किल दिला दे। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है यहाँ पर भाई तुम एक एक किल ले लो, लेकिन आखिरी वाली किल जो है वो मेरी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे भिन्नर भिन्नर मुर्गी डिनर दिखाना है। तो मैं अब तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इन लोगों की भी जो किल होगी ना वो तुम मेरे खाते में जोड़ देना। अब बात करें मेरे बंदे की, तो मेरा बंदा एक पेड़ के पीछे छुपा होता है जोन के किनारे में, तो मैं अपनी AWM उसके तान लेता और भाई मेरे AWM क्या उसके ऊपर भाई 2-2 AWM और एक कार 98 तनी हुई होती है, तो उसके बचने का तो सवाल ही नहीं था। तो भाई जैसे तैसे करके उस बंदे ने फिर भी वहां पर स्मोक बनाया कि वो शायद बच पाए और उसके बाद एक कोने में खड़ा होकर के भाई पुटर पुटर करने लग गया। तो उसके बाद क्या होता है देखो खुद। तो यार इसी के साथ साथ मजे लेते लेते हमारा यहाँ पर हो जाता है भाई भिन्नर भिन्नर मुर्गी डिनर। तो यार यहाँ पर एकदम मजा ही आ गया, मतलब यार क्या ही एंजॉय किया, और उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम्हारे को भी इस वीडियो में मजा आया होगा। अब तुम लोगों का काम है कि भाई मुझे ये बताना कमेंट में पबजी न्यू स्टेट की अर्ली एक्सेस की गेम प्ले वीडियो में डालूं कि नहीं डालूं। और अब वक्त है भाई तुम्हारे कमेंट्स को वीडियो में दिखाने का, तो चलो भाई तुम्हारे कमेंट्स को वीडियो में देखते हैं। और अब भाई मैं तुमसे क्या ही कहूं, अब मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि भाई कुल मिला करके आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय।